हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं जैसे कि इंग्लिश, तो कुछ आम गलतियाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर कर बैठते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसी ही एक कॉमन मिस्टेक है TOO इस शब्द के साथ। इसका इस्तेमाल करते हुए जब आप मिस्टेक करते हैं, बहुत ही कॉमन है। वैसे कॉमन मिस्टेक्स आर नथिंग बट बैड हैबिट्स। हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं, हमें लगता है ये ठीक है और हम भी उसे रिपीट करने लगते हैं बिना रियलाइज़ करे, बिना क्वेश्चन किए, विच इज़ रॉन्ग, राइट? अगर आप अपनी कॉमन मिस्टेक को करेक्ट करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो लेसन इज़ ओनली फॉर यू। मेरा नाम है खुशबू और हिं खोज में हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू बहुत ही आसानी से। टू शब्द के साथ की जाने वाली बहुत कॉमन मिस्टेक अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, देन स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। टू शब्द से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक जो की जाती है, वो तब जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, किसी बात पर जोर डालने के लिए, उसको बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए, कोई इमोशन को एग्जैजरेट करने के लिए। लेकिन हम मिस्टेक करते हैं जब हम टू को यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए वेरी, सो एंड रियली। ऐसा होता है ना? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ही समझते हैं। This dress is expensive. This dress is very expensive. This dress is too expensive. इन तीनों ही सेंटेंसेस में मैंने एक ही बात कही है, लेकिन मेरे कहने का इमोशन तरीका तीनों में अलग है। सबसे पहले, ये ड्रेस महंगी है, This dress is expensive. ये ड्रेस बहुत महंगी है, This dress is very expensive. ये ड्रेस ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। देखा आपने, वेरी और टू, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, इसलिए हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, और यही मिस्टेक है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। चलिए आगे सीखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू कि ये मिस्टेक कैसे करेक्ट करनी है। दोस्तों, टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है एम्फेसिस डालने के लिए उन सिचुएशंस में या उस क्वांटिटी के लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, एक्सेसिव हो, जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अति या ज़रूरत से ज़्यादा, दोनों ही नेगेटिव क्वालिटीज़ है, राइट? तो जब भी आप किसी चीज़ की एक्सेसिवनेस, ज़रूरत से ज़्यादा होने की क्वालिटी को नेगेटिव बताना चाहते हैं, तब आप टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, राइट? कुछ एग्जांपल्स देखिए। देयर वर सो मेनी पीपल एट द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे लोग थे। देयर वर टू मेनी पीपल एट द पार्टी। पार्टी में कुछ ज़्यादा ही लोग थे। टू मेनी, कुछ ज़्यादा, जितने होने चाहिए थे उससे ज़्यादा। अ हिंट ऑफ नेगेटिविटी, ये नेगेटिव कॉमेंट है। He gave me a lot of work. उसने मुझे बहुत सारा काम दिया है। He has given me too much work. उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया। Too much, ज़रूरत से ज़्यादा। All right, तो इस तरह से आप टू का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिविटी के लिए। आप इसको वेरी, सो और रियली के रिप्लेसमेंट में इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं टू का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। The pan is too hot. Don't touch it. Pan यानि बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हाथ मत लगाओ, आपका हाथ जल सकता है। Too hot. The test was too difficult. Test, परीक्षा बहुत ही मुश्किल थी, ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल थी, इतना कि शायद आप उसको नहीं कर पाए। Too difficult. It's too hard to explain. मैं इसे समझा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है इस बात को समझाना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स टू हार्ड टू एक्सप्लेन, यानी कि ये नहीं हो पाएगा। दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट। ये कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही मीठी है। टू स्वीट मतलब मे बी मैं इसको नहीं पी पाऊँगी, इतनी मीठी है। ओके, तो इस तरह से आप टू का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव एम्फेसिस बताने के लिए। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस और उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। नंबर वन, आई लाइक यू वेरी मच। करेक्ट, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत पसंद करती हूं। आई लाइक हिम टू मच, जी नहीं, ये गलत होगा।
टू मच एक नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन लाइकिंग एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आप पॉजिटिव के साथ टू मच का इस्तेमाल नहीं करें तो इट्स बेटर. शी इज़ रियली ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है, वास्तविक में बहुत सुंदर है. शी इज़ टू ब्यूटिफुल, वंस अगेन बीइंग ब्यूटिफुल इज़ अ पॉजिटिव क्वालिटी, उसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव हिंट देता है. ओके, तो यहाँ पर आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है. वेल, एज ऑलवेज देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल. जैसे अगर आप किसी को बोलें थैंक यू, यू आर टू काइंड, तो आप वहाँ पर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, टू काइंड, ज़रूरत से ही ज़्यादा अच्छे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है जब आप उनको थैंक यू बोलते हैं उस टाइम कहने के लिए, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल. अनदर वन इज़ व्हेन यू से द मूवी इज़ टू गुड टू मिस, या फिर द अपॉर्चुनिटी इज़ टू गुड टू मिस. टू गुड टू मिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ इतनी अच्छी है कि सबको ये देखना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. नोबडी शुड मिस इट, किसी को भी ये मिस नहीं करनी चाहिए. सो इट्स टू गुड टू मिस, वंस अगेन पॉजिटिव क्वालिटी, बट दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस. आपको रूल ऑफ थंब याद रखना है कि टू का इस्तेमाल एम्फेसिस के लिए मोस्टली नेगेटिव में किया जाता है. सो आज के लेसन में इतना ही. आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा है. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी दिखाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लास्ट थिंग, कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि टू से रिलेटेड ऐसी कौन सी गलती थी जो आप आज से पहले करते थे और अब नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.